देता हूँ दिन में, फिर रात को आपको शेयर कर देता हूँ। तो इसलिए फिर इंशाल्लाह ताला सो के मैं मंडे तक इंशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगा, और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन लेक्चर में ही सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेटेड पर्सन। एजुकेटेड पर्सन किसको कहते हैं? वो शख्स जो पढ़ना लिखना जानता हो, वो एजुकेटेड पर्सन होगा। और पढ़ने लिखने ना लिखने के साथ साथ हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स। अब एक शख्स सिर्फ पढ़ना लिखना जानता है उसको हम लिटरेट कहेंगे। एक शख्स पढ़ना लिखने के साथ साथ उसके पास इल्म पे वो अमल पैरा भी होता है, ठीक है, उसके अच्छे अखलाक हैं, वो स्किलफुल है, ठीक है, उसके पास प्रॉपर जो वैल्यूज़ होती हैं एक सोसाइटी के अंदर रहने के लिए वो सारी उसने एक्वायर की हुई हैं, तो वो एजुकेटेड पर्सन होगा। लिटरेट क्या होगा? जो सिर्फ पढ़ा लिखा है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदे ने MSc कर ली है और वो माँ बाप को गालियाँ देता है, गली मोहल्ले वाले सारे लोग उससे तंग हैं, तो हम उसको लिटरेट तो कह सकते हैं, एजुकेटेड नहीं कह सकते, क्योंकि उसने नॉलेज तो गेन कर लिया, रीडिंग राइटिंग तो उसके पास है स्किल, ठीक है, लेकिन उसके पास जो वो है बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, वो उसने एक्वायर नहीं किए हुए, ठीक है, तो वो हम एजुकेटेड उसको नहीं कहेंगे। तो जो एजुकेटेड होता है उसके पास नॉलेज के साथ साथ स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स और हैबिट्स भी चेंज होती हैं, उसकी बिहेवियर भी चेंज होता है। और इलिटरेट क्या होगा? जो पढ़ लिख नहीं सकता। और अनएजुकेटेड क्या होगा? जो ना पढ़ लिख सकता है और ना ही उसके अखलाक अच्छे हैं, ठीक है। एक इलिटरेट पर्सन एजुकेटेड हो सकता है, जैसे एक शख्स कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है, बट वो इनफॉर्मली वो स्कूल कॉलेज, यानी हमने पढ़ा था ना एजुकेशन के तीन मोड हैं, या तो फॉर्मल इदारे से वो लेगा, या इनफॉर्मल से, या फिर नॉन फॉर्मल से। अब वो मस्जिद से, मोहल्ले से, बाजार से, दोस्तों से, वर्कशॉप से वो चीज़ें समझता रहा है, अब उसके अखलाक भी अच्छे हैं, वो उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, उसके पास स्किल्स भी हैं, वो कार का बहुत अच्छा मैकेनिक है, तो वो एजुकेटेड भी हो सकता है। तो एक इलिटरेट जो है वो ऐसा शख्स होगा, लिटरेट वो होगा जो पढ़ लिख सकता है, और इलिटरेट वो होगा जो पढ़ लिख नहीं सकता। एजुकेटेड वो होगा जो पढ़ने लिखने के साथ साथ क्या है, नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स और हैबिट्स भी उसने समझी हुई हैं। और अनएजुकेटेड कौन होगा? वो जिसका जो ना तो पढ़ा लिखा है और ना ही वो क्या होता है उसका बिहेवियर कोई बेहतर है। स्कूलोजी, स्कूलोजी एक ऑनलाइन